अगर आप लोग अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से इस तरीके का डॉल खरीदना है हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस डॉल के साथ आप लोग हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो कि नहीं, इसके बाल पे आप लोग क्रिम्पर, स्ट्रेटनर या फिर कर्लर यूज़ कर सकते हो कि नहीं, मैं सारी चीज़ आप लोगों को डेमो भी दूंगी और पूरा रिव्यू भी दूंगी। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस कुछ दिन पहले मैं अमेज़ॉन से एक हेयर डॉल मंगवाया था एंड इसका प्राइस है 1995 रुपीस, मगर ये चीज़ मुझे बिल्कुल फ्री में मिल गया। कैसे मिला वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो गाइस जो लोग नए नए ब्यूटिशियन के कोर्स कर रहे हैं या फिर मेकअप सीख रहे हैं या फिर ब्यूटी का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस टाइप का डॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हेयर स्टाइलिंग के लिए या फिर मेकअप के लिए या फिर हेयर कट करने के लिए। सो गाइस ये मुझे मिला है अमेज़ॉन से, लगभग 2000 के अंदर मुझे ये वाला डॉल मिल गया है। एंड इसका हेयर का लेंथ देखो, बहुत ही मतलब बहुत ही लॉन्ग हेयर है एंड बहुत ही मजबूत है और बहुत सारा हेयर है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही सारा हेयर है। तो ये वाला आप लोग भी अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हो, मैं इसका डिटेल्स आप लोगों को दे दूंगी एंड ये यूज़ करने में कैसा है, इसका क्वालिटी क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हेयर स्टाइलिंग करने के लिए हमें 100% ह्यूमन हेयर का ज़रूरत होता है। ह्यूमन हेयर पर हम लोग क्रीम पर भी यूज़ कर सकते हैं, टोंग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्ट्रेटनर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इस टाइप के जो आर्टिफिशियल हेयर आता है, इस टाइप के हेयर पर हम लोग वो इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वो चीज़ नहीं यूज़ कर सकते तो हमारा तो ये डॉल ख़रीदना बेकार ही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग दुकान पे जाइए, वहाँ पे जाके अच्छे से चेक कीजिए कि वो ह्यूमन हेयर है या इस तरह के सिंथेटिक हेयर, उसके बाद आप लोग खरीदिए। आप लोग कैसे पहचानोगे कि ह्यूमन हेयर है या नहीं, आप लोग इस हेयर पर देख सकते हैं ये बहुत ही शाइनी है और बहुत स्ट्रेट है। हमारे नेचुरल हेयर इतना स्ट्रेट नहीं होते और इतना शाइनी भी नहीं होता। आप लोग देख सकते हो मेरा हेयर और इसका हेयर, इसका हेयर बहुत ही शाइनी है, मेरा हेयर कम शाइनी है। इसका हेयर बहुत ही स्ट्रेट है, बहुत ही थिक है, हमारा हेयर इतना थिक नहीं होता है। सो पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग हेयर कटिंग के लिए खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, क्योंकि इसका हेयर बहुत ही लॉन्ग है, इसका हेयर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। अगर आप लोग हेयर स्टाइलिंग के लिए खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, नॉर्मल हेयर स्टाइलिंग के लिए खरीदना है तो फिर भी खरीद सकते हो। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे कि स्ट्रेटनर, क्रिम्पर ये सब यूज़ करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी मत खरीदो, क्योंकि इस पर वो सब नहीं असर करता। मैं आप लोगों को डेमो भी दिखाऊंगी। सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसका हेयर फॉल होता है सच में या नहीं। तो मैं आप लोगों के सामने ही इसका हेयर को कॉम कर रही हूँ, आप लोग देख सकोगे। फ्लोर पे आप लोग देख सकते हो इतना सारा बाल गिरा है। मैंने इसके पहले जितने बार भी कॉम किए हैं उतने बार ही इतना बाल गिरता है। आप लोग सोच सकते हो कि हेयर स्टाइलिंग के लिए ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हर बार इतना सारा बाल गिरते रहे तो एक टाइम पे इसका बाल पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे जो कलर है वो बहुत ही हीट हो चुका है, अभी हम लोग इसको कर्ल करेंगे। मैंने छोटा सा एक सेक्शन लिया है। दस सेकेंड इसको होल्ड करके रखना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। देखो जैसा का तैसा, बहुत सारा बाल शायद अभी गल भी गया है, एक बहुत सारा बाल यहाँ पे डैमेज भी हो गया है।
इतनी देर अगर मैं अपने बालों पे रखती तो कर्ल हो जाता। मैं अपने बालों पर भी इसको डेमो करके दिखा रही हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये देखो, ये है मेरे कर्ल किया हुआ हेयर और ये है इसका कर्ल किया हुआ हेयर। आप लोगों ने लाइव देखा कि इसका हेयर कर्ल नहीं हो रहा है एंड जो जो जगह पे कर्ल मैंने किया है उस जगह पे जल गया है क्योंकि ये प्लास्टिक का हेयर है। एक बार और हम लोग ट्राई करेंगे कर्ल करने के लिए। अभी बहुत ही पतला सा एक पोर्शन हम लोग लेंगे, फिर से 10 सेकेंड हम लोग होल्ड करेंगे इसको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। सी, ये पूरी तरीके से जल चुका है। अगर मैं इसको अभी कोम करूँगी तो ये बाल टूट के मेरे हाथ पे आ जाएंगे। तो ये है इसका क्वालिटी। आप लोगों को वहाँ पे बताया जाएगा कि हाँ 100% ह्यूमन हेयर है, मगर इस तरह का ही हेयर आप लोगों के पास आएगा। सो खरीदने से पहले 100% श्योर हो जाए कि हाँ वो सच में ह्यूमन हेयर है या फिर इस तरह के सिंथेटिक हेयर। इसका हेयर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत ऐसे हेयर है जो कटे हुए है, आप लोग देख सकते हो बहुत से। इसके स्कैल्प देखो, बहुत ही कम बाल है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही कम बाल है। इसका बालों का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये जो चीज है इसके साथ मुझे और क्या क्या मिला है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं दिखाती हूँ। ये जो चीज है इसको इसके अंदर डालना है ऐसे, और ये जो चीज है यहाँ पे घुमा के अटका देना है इस तरह से। पूरी तरह से अटक जाने के बाद ये जो चीज है इसको ये मैडम के अंदर ऐसे डालना है एंड ये टडा रेडी हो गया आपका स्टैंड। ये काम क्या करता है मैं बताती हूँ। ये जो पोर्शन है इसको ऐसे घुमा के नीचे लाना पड़ता है। अगर आपके पास कोई भी टेबल है या फिर कुछ है तो इसको ऐसे इसके अंदर डालते हैं और इसको ऐसे टाइट करते हैं तो ये हिलता नहीं है। तो मेरे पास ये स्टैंड था तो मैंने इसे स्टैंड के ऊपर अटका दिया है। अगर आप लोग हेयर स्टाइलिंग करना है तो इस तरह का स्टैंड आप लोग खरीद सकते हो, मगर ये चीज मत खरीदना। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये मुझे फ्री में कैसे मिल गया। तो जब मैं इसको खरीदा, मैंने सोचा कि चलो ज्यादा महंगा खरीद लेते हैं अच्छा आ जाएगा, तो मैंने उसको खरीदा। खरीदने के बाद मैंने इसको देखा कि इसका हेयर तो बहुत ही झड़ रहे है एंड जो स्ट्रेटनर है वो काम नहीं कर रहा, जो क्रिम्पर है वो काम नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि इसको तो खरीदना बेकार हो गया, अब क्या करें। तो मैंने जब अमेजोन पे चेक किया इसका रिटर्न करने के लिए तो मैंने देखा कि ये रिटर्न नहीं हो सकता है। मैंने अमेजोन कस्टमर केयर पर कॉल किया एंड वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 3 या फिर 4 बार मैंने कॉल किया था इसको लेकर, ये भेजो वो भेजो, इसका हेयर भेजो, ये फुल बॉडी भेजो, इसका पिक सेंड करो, मेल पर भेजो, SMS पर भेजो, यहाँ भेजो वहाँ भेजो, मतलब पूरी तरीके से दिमाग ख़राब कर दिया था ये एक प्रोडक्ट के लिए। फिर मैंने 5वीं बार मैंने जब कॉल किया इसके लिए, उसके बाद एक भैया ने कॉल रिसीव किया तो मैंने उनको बोला कि भैया मैंने सब कुछ भेज दिया है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ भेज दिया है, आप प्लीज़ इसको चेक करिए क्योंकि ये मेरे का कोई काम का नहीं है, इसका हेयर बहुत डैमेज है, इसका हेयर गिर रहे हैं, ये डैमेज प्रोडक्ट है।
तो उन्होंने मुझे कुछ देर होल्ड पे रखा एंड उसके ऊपर जो लोग काम करते हैं मैनेजर या फिर और कोई, तो उन लोगों को उन्होंने कॉल किया बहुत देर तक, मेरे फ़ोन होल्ड पर था करीब 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैडम आपके जो पैसे हैं वो मैं आपके अमेज़ॉन गिफ्ट जो है अमेज़ॉन गिफ्ट वहाँ पे मैं आपके पैसे को ऐड कर दूंगा एंड ये जो प्रोडक्ट है इसको जिस सेलर ने भेजा है वो रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये नॉट रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, वो नहीं लेगा। तो मैडम ये प्रोडक्ट आपके पास ही रहेगा, कोई इसको लेने के लिए नहीं आएगा और आपके जो पैसे हैं वो आपके अमेज़ॉन पर दे दिया जाएगा। पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बोला कि मेरे पैसे मिल जाएंगे, तो उन्होंने बोला हाँ पैसे मिल जाएंगे और इसका क्या होगा। उन्होंने बोला ये आप रख लो आपके पास क्योंकि ये नॉट रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि जो सेलर है वो इसको वापस नहीं लेगा। तो मैंने सोच लिया चलो अच्छा ही हो गया, पैसा भी मिल गया, ये चीज़ भी मिल गया। मैंने इसको हेयर स्टाइलिंग के लिए ख़रीदा मगर वो तो नहीं होगा इससे, मगर हेयर कटिंग मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये चीज़ मुझे फ्री में मिल गया। मैं आप लोगों का नहीं बोल सकती कि आप लोगों को भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा था एंड उसके बाद ही मुझे ये चीज़ मिला है एंड मेरा पैसा भी मुझे रिटर्न हो गया था करीब 3 या 4 घंटे के अंदर, मेरा पैसा मेरे अमेज़न गिफ्ट कार्ड पर ऐड कर दिया गया था और ये चीज़ भी उन्होंने वापस नहीं लिया। तो ये है मेरी फ्री गिफ्ट का कहानी, इसको मैंने फ्री में कैसे पा लिया। अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि आप लोग भी इस तरह का कोई चाल चलोगे तो मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर आप लोग खरीद लिया और वो लोग वापस नहीं लिए तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे, ये चीज़ भी बेकार हो जाएगा। तो अगर आपको सचमुच का एक हेयर डॉल चाहिए जो हेयर स्टाइलिंग के लिए होता है तो आप लोग दुकान से खरीदिए, नेचुरल हेयर देख के खरीदिए, इस तरह के हेयर देख के खरीदिए। एंड अमेज़ॉन से ख़रीदना है तो मत खरीदिए क्योंकि अमेज़ॉन का चीज़ अच्छा नहीं होता। सिर्फ मेरे पास इस टाइप का जो डॉल है ये चीज़ अच्छा नहीं है, दूसरे महंगा डॉल अच्छे हो भी सकते हैं। मैं ये नहीं बता रही कि कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ अच्छा नहीं भेजते वो लोग और रिटर्न भी करने पर बहुत ही मुश्किल आती है रिटर्न करने में। तो आप लोग अगर खरीदोगे तो देख के खरीदना। सो गाइस मेरा आज का वीडियो इतना ही, अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट में बताना कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।